ज़हर खां बचाए। शत्रु मित्र ईमान अपमान छज घर में आई सुख दुख सभिन में समा भाव रखे छो रहे राजी सबते निंदा स्थिति में सागी अरीत हले छो धन नजर मिलकत बिना
शांति को अस्थिर चित्त मारो, सबर में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो, सबर में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो, अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सचिय श्रद्धा मारो, वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो, अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सचिय श्रद्धा मारो, वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो बारो अध्याय पूरो थियो। मुंगर दियरा विस्वामी व्या श्याम शमो तू बार, मुंगर दियरा विस्वामी व्या श्याम शमो तू बार, मुंगर की न थे की न थे फकत एका सुतल सितार, श्याम शमो तू बार, श्याम शमो तू बार, तो बिन माफ करे ब्यो केर जन्म जन्म खा गुनहगार, श्याम शमो तू बार, श्याम शमो तू बार, न तप न ज्ञान न योग न ध्यान करो बिनती बारों बार, श्याम शमो तू बार, श्याम शमो तू बार, पाठ न जानू न मंदिर जाऊं पल पल तो पुकार, श्याम शमो तू बार, श्याम शमो तू बार, लिखे कब हूँ छोटिए में किन किन भूलन हार, श्याम शमो तू बार, श्याम शमो तू बार,
Nuri Granth, page 877. Uttam. Uttam manik janam. Uttam unajo roop. Uttam unajo nijghar ahe. Jit chimke jyoti sarup. Uttam sheva me shal vakt guzari. Sabinike nij nirmal pyar piyari. Unaja uttam vastara athei. गरीब मिसकीन तिनके पछाणी जे रखी दिल निमाणी दीन रखी दिल निमाणी दीन Supreme is the human birth and supreme is its form. Supreme is its original abode where shines the radiance divine. May you devote your time to the supreme service and may you give of your pure love to one and all. The poor and the oppressed are the supreme manifestation of the Lord. And you will realize this if you keep your heart humble and compassionate. Good.
Shiva.
शिव शंकर भोला नाम शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिव शिवा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिव शिवा सो यू विल हैव टू सिंग द ऑपोजिट आई सिंग शिव शिवा यू हैव टू से हर हरा एंड इफ आई सिंग हर हरा यू हैव टू सिंग शिव शिवा ओके शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिव शिवा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिव शिवा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हरा शिव शिव शिवा हर हरा हर हरा शिव शिवा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिव शिवा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिव शिवा शिव शिवा हर हरा हर हरा शिव शिवा शिव शिवा हर हर हरा हर हरा शिव शिवा शिव शिवा हर हरा हर हरा शिव शिवा शिव शिवा हर हरा हर हरा शिव शिवा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिव शिवा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिव शिवा bam bhola bam 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 bam bhola shiv 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 bam bam bhola shiv 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 bam bam bhola har 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 bam bam bhola har 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 bam bam bhola ho शिव शिव शिवा हर 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 हरा शिव शिव शिवा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिवा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हरा शिव शिवा शिव शिवा हर हरा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिव शिवा शिव शिव शिवा हर हर हरा हर हर हरा शिव शिव शिवा हर शिव शंकर शशांक शेखर
Krishna Hari Ram Dada Sham, Hari Krishna Hari Ram Dada Sham, Hari Krishna Hari Ram Dada Sham. Krishna.
satsang yo bhena ruai bhavaro rose da rose hit asi gita ashe adhyama ke shloka bujhuta hiya rabi asan bujha ke shloka pohi ka shloka meni so Shri Krishna Sikhyaleto Dayachi Mitratyo Shri Krishna Chaveto Mitratyo Mitratyo Mitravanashi Vera Bhava Kanchopare Jake Mitratahe Jake Dayahe Sabin Bhutan Vasate Sabin Pranayan Vasate Soyi Bhakti Mukhe Pyaro Shri Krishna Chaveto Soyi Bhakti Mukhe Pyaro Soy Mukhe Bhakti Pyaro Aja Shekara Hinan Toran Mintanjo Eko Nantaro Vichara Ma Dilichi Andar Kanimana Avimiyo Vichara Kanimayo Ma Samjato Tketri Bhaktaka Asa Mitra Sajo Bhavinyayuva Asi Janwaran Sa Mitra Tavina Sahajo Asanje Dinu Nandar Jekarvai Nau Mitra Sajo Bhavache Ayasi Samichu Tahi Pasu Ipakhi Mitra Ekavakta Ganu Jivaste Kedi Nashradhahui Hina Bhakti Obhabi Jako Tindo Vivahi Jekar Vari Asi Vichar Kariu Janwaran Jo Ai Bakhyun Jo Vichar Kariu Ai Dilichi Andar Hiyo Hirado Kariu Dasi Nanja Dost Tira Dasi Mitra Tira Dasi Chota Jo Mitra Ahe Sabin Pranan Jo Soi Shri Krishna Chaveto Ahe Mujo Bhakti Pyaro Mujo Bhakti Pyaro Janvaran Vaste Ma Samjato Hina Bhakti Shekara Nau Bhav Kuli Nafakat Pyara Imahabat Paranai Shraddha Janvaran Jivaste Keke Mujo Vichara Hina Sanbandhame Amaki Namanagan Amamake Shad Ye Vichara Kabul Nakan Paramajo Yo Vichara Tava Tahika Hike Janvarame Atma Ahi Ayi Santa Gautama Ya Sikhyadini Ya Shri Krishna Sikhyadini Santa Gautama Chayopanyani Shishan Ke Eko eko janvar ona me ua shakti athava ya mume ya anatai ketra bhakta athava gautam buddha cha ketra bhakta shavadahne ta eko eko janvar eko di buddha thilo eko eko janvar panake hari halat me eko di aindo Jona me Buddha di Shakti Prakash Sini. Eko eko Janwar Buddha Sino. Eko eko Pakhi. Eko eko Pasu. Asaka Niralo Konhit. Jie. Eko eko Insan Rishi Thiyano Ahi. Eko eko Insan Brahma Gyani Thiyano Ahi. Eko eko Insan. Eko eko Manusha Krishna Jarupa Thiyano Ahi. Tiye he kuch janwar he kuch pasu he kuch pachi eka sabhage di hare krishna ji tasveer buddha ji tasveer tinu ya daya cha mujo bhakti kusi viwa daya ja dah rupa hai dah rupa daya cha Jinjo Sikur Shastra Nimethyalai Dayaja Dahrupa Se Kahra
तिन जो जिक्र छे करें कि हरो को मौक्यो वरी मिलो आवाज़ या ज्ञान रखने से यह रूप तिन माँ ही के रूप ही अथवा जानवरन के प्यार जो माँ से खाने का परी ब्यो रूप करीबन दुखियन के प्यार जो उन्हें ये सेवा करो जिनके अजो ना जिनके अजे वी यार में मदद करो जिनके खाधो ना है जिनके खाधे दिया में मदद करो जिनके कपड़ो ना है जिनके कपड़े वी दिया में मदद करो या भी केतरा ही रूप आ दह रूप मुख्य रूप दया छा दह रूप पर छे करी इन महीने में अपनी दया छे बरूप चित में रखूं जानवरन जी आसीस पायूं गरीबन दुखियन जी आसीस पायूं पसन आई पखियन जी सेवा करूं आई गरीबन दरिद्रन जी सेवा करूं सदा थे शदा ये थे शदा मां सभी जे जिन अंदर भी नौ प्यार छे नई मोहब्बत नौ उत्साह नौ दर्शन नन पसंद पखिन वास्ते ते पशु पखी असा का जुदा को पर असान चेहरा असान चेहरा ऐं जा शक्ति असां जे अंदर आए आत्मशक्ति सा इनन जे अंदर भी आहे शदा इन भाव में असें वठूं हिनन जी सेवा करे पंहिंजो मालिक जन्म सफल करे सफल ओम ब्रह्म कृपा केवल कृष्ण कृपा केवलम गुरु कृपा ही केवलम ओम शांति शांति दादा श्याम बोलो जय माता दी बोलो जय दादा की माँ माता माउली ये शब्द सुनते ही मानो हमारे कर्णों में भर जाती है ममता और करुणा। आज हम सभी देवियों का दर्शन करने वाले हैं, हमारी माताओं का दर्शन करने वाले हैं। माता की चौकी पर माथा टेकने के लिए हर कोई बेताब होता है, मगर माता ही आशीर्वाद देने के लिए इस पावन चौकी पर आए तो हाँ ये संभव है, क्यों नहीं, ये संभव है जब उसके हर गुण से संपन्न उसकी किसी संतान ने धरती पर जन्म लिया हो। ऐसे ही एक देवी रूपी तेजस्वी पुत्र ने कार्तिक की एकादशी के दिन 25 नवंबर 1879 में जन्म लिया। वो बालक जिसे हर देवी माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, स्त्री शक्ति ईश्वर भक्ति और जन जागृति का साधन बनाया।
वो माता रूपी इंसान जिसकी कहानियां आज देवी माताएं खुद सुनाने जा रही है, वो है हम सबके प्यारे साधु T.L. वासवानी। बोलो जय माता की, जय दादा की। काली माँ ने अपार शक्ति का आशीर्वाद दिया, सरस्वती माँ ने ज्ञान की पूंजी सौंपी, गंगा माँ ने पवित्रता प्रदान की, संतोषी माँ ने त्याग की परिभाषा दी, माँ लक्ष्मी ने प्रार्थना और संयम से सराहा, वन दुर्गा माँ ने मूक प्राणियों का शांति दूत बनाया, शीतला माँ ने दीन दुखियों की सेवा का निर्मल भाव दिया, अन्नपूर्णा ने अन्नदान का अवसर दिया, और इस सृष्टि की माँ ने पत्थर में भी भगवान का पाठ पढ़ाया। जय हो देवी माता की, जिसने हमारे दादा को संजीवनी बनाया। Every goddess has blessed Sadhu T.L. Vaswani with innate powers that embrace love and affection towards humanity. With collective superpowers, our beloved master fondly passed on his spiritual powers to Dada J.P. Vaswani, whom we look onto as Ishwar Avatar. The narrative of the present play, based on the life and teachings of Sadhu T.L. Vaswani, is depicted by goddesses Kali Ma, Saraswati Ma, Ganga Ma, Santoshi Ma, Lakshmi Ma, Van Durga, Sheetala Ma, Annapurna, and lastly, Srishti Ma. We bow down to the goddesses who created the divine soul, our Dada, who is a Sanjeevani, the lifeline of our existence. The play is blessed by Sadhu Vaswani mission, empowered by Sadhu T.L. Vaswani and Dada J.P. Vaswani, powered by Dr. Gulshan Gidwani, creative consultant Savni, director Ashish Chirak, assistant director Sanket Kashyap, script Kajal Mishra, Ashish Chirak and Sanket Kashyap, student coordinator Archana Singhal and Kajal Mishra, sound mixing Arts Entertainment, costume coordinator Archana Singhal, dance sequence Shalini Gandhi, lights Tejas Devdhar and Akshay Tarele, makeup Prabhakar Bhave, backstage Chahat and Amanda, special mention Sharon Marion, Falak Naz, Khushbu and Reshma Nair. Saint Mira's College ki chhatraye prastut kar rahi hai Sadhu T.L. Vaswani ke jeevan par aadharit ek anokha matanubhav, ek nritya natika. Jai Devi, Dada Sanjeevani, Jai Devi, Dada Sanjeevani. Bolo Jai Mata ki, bolo Jai Dada ki.
आपकी दुकान में क्या बेच रहे हैं? क्या किसी को मारा है? क्या तुम नहीं जानते यहाँ प्राणियों का मांस बेचा जाता है? हे भगवान, इतनी क्रूरता, क्या लोग इसे खाते हैं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे घर में ये सब नहीं पकता। जाओ, जाकर पहले अपनी माँ से पूछो। अरे आ गए बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चे, रोने सूरत क्यों बना रखी है? माँ, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे रोज खाने में क्या देती हो? मतलब वही सब जो तुम्हें अच्छा लगता है, पसंद है, रोते क्यों हो? माँ, माँ, क्या हम प्राणियों का मांस खाते हैं? तुझसे किसने कहा, ये सब बेकार बात है। तुम थक गए हो, पहले कुछ खा लो और रोना बंद करो। नहीं माँ, पहले मुझे बताओ, क्या हम मांसाहार करते हैं? मैं समझ गया, मेरी तो भूख ही मर गई है। आज के बाद मुझे फिर कभी ये खाना मत देना। अरे थावर बेटा, मैं काली माँ के दर्शन करने जा रहा हूँ, आएगा मेरे साथ? काली माँ के मंदिर? हाँ। प्रसाद मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, अब भी आया पिताजी। चलो। मुझे यह अवतार लेना पड़ा ताकि असुरों का विनाश हो और मानवों का कल्याण। क्रोध, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या के दानव से मनुष्य को मुक्ति प्रदान करना मेरा अटल निश्चय है। यदि कोई जीवन के सही मूल्यों को समझा है तो वह है मेरा तेजस्वी पुत्र थावर। बालक रूप में ही इसने जीव हत्या के खिलाफ प्रेरणात्मक आवाज उठाई। इस तेज पुंज बालक के निश्चय पर मुझे गर्व है। मेरा आशीर्वाद सदा इसके साथ रहेगा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बेटा माँ का प्रसाद ले लो। हम्म, ना का क्या मतलब, प्रसाद लेने के लिए मना कर रहा है? क्यों जी, क्या आपने अपने बेटे को माँ के प्रसाद का, उसका आशीर्वाद का आदर करना नहीं सिखाया? बेटा प्रसाद ले लो, माँ के प्रसाद को ना नहीं करते। नहीं पिताजी,
मैं प्रसाद नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? माँ का आशीर्वाद है ये, माँ को भोग लगाया हुआ प्रसाद है, इसे लेना चाहिए। जाने दीजिए। पिताजी आप ही कहते हैं ना कि काली सारे विश्व की माँ है, फिर भला कोई माँ अपने ही बच्चों की बलि का प्रसाद कैसे स्वीकार कर सकती है? छोटा मुंह बड़ी बात, बदतमीज। अब मैं तुम्हें अपने साथ मंदिर कभी नहीं लाऊंगा। मैं खुद ऐसे मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। भगवान के नाम पे जीव हत्या, ये तो पाप है, ये तो सिमरन नहीं। ब्रह्माणी का रूप है मेरा, मैं हूँ माता सरस्वती। शिक्षा का परचम अनंत काल लहराए, यही है मेरी आरजू। न सीखे मनुष्य केवल पढ़ना और लिखना, परंतु उसके आचरण में शुद्ध कृति का वास हो। युवा आयु में अपनी परम सिद्धि का परिणाम दिया थावर ने। इस मोहित बालक ने सच्चाई का ऐसा पाठ पढ़ाया जो हर व्यक्ति के चित्त में स्थित हो चुका है। ऐसे अनोखे बालक की बुद्धि देख मनुष्य सदैव अचरज होंगे, यह मेरा विश्वास है। पुत्र थावर को मैं प्रचंड विद्वत्ता का वरदान देती हूँ। तो बच्चों, इस साल भी हर साल की तरह प्रथम क्रमांक पर है थावर वासवानी, जिसे 73% गुण मिले हैं, शाबाश थावर। और दूसरे स्थान के गुण हैं 65%, हीरालाल को ये अंक मिले हुए हैं। अब एक एक कर बाकी छात्र अपने निकाल पत्र लेकर जाएं। क्या बात है थावर? सर यहाँ एक गलती हुई है, मुझे 73 नहीं 63 अंक मिलने चाहिए। क्लास में मेरा स्थान द्वितीय है। शांत रहिए, साइलेंस प्लीज। 10 और ये हुए 15। और तुम सच कह रहे हो थावर? हाँ सर, मेरा स्थान प्रथम नहीं द्वितीय है। थावर, तुमने ये सच्चाई का कदम उठाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक कुशाग्र विद्यार्थी तो हो पर एक सच्चे इंसान भी हो। मुझे शीघ्र ही ये बात प्रिंसिपल हिरानंद जी से कहनी चाहिए। सर, कहिए क्या बात है? सर, हाँ
थावर, तुमने एक असाधारण काम किया है। इस पाठशाला के हर विद्यार्थी को ये बात उदाहरण की तौर पर कहनी चाहिए। चलो थावर, मैं चाहता हूं कि हर कक्षा में यह चर्चा हो, ताकि हर विद्यार्थी थावर की तरह बने, स्थित, स्थिर, सच्चा। थावर, जैसा तुम्हारा नाम है। चलो। दर्शाऊं मैं कण कण को, अपनाऊं मैं हूं गंगा। चिरकाल से मैं मानव जाति को जो जिस प्रकार है उसे उसी रूप में स्वीकारती हूं। जो सच्चे मन से अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता है, उन्हें उनके दूषित विवेक से पृथक करना मेरा ध्येय है। निर्मल भावी थावर ऊपरी चमक के मोह में नहीं आया। उसने ये सभी को दर्शाया कि आत्मा की शुद्धता में ही मोक्ष है। ऐसे वचनों को जो सुने वो पवित्र महसूस करे। नमन ऐसे बेटे को जो माँ की तरह हर एक को गले लगाए। हाय, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आइए आइए, तशरीफ रखिए। लीजिए जनाब, पान तो नोश फरमाइए। आपके इन मुलायम होठों पर इसकी लाली क्या खूब सजेगी। जनाब, अब अंदर चले। मैं तो पहले ही अंदर हूँ। पता नहीं ये क्या अनाप शनाप बकरा है, ये क्या पागलपन है। जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ ऐसे मर्द को। पर मैं भी लीला बाई हूँ, हार नहीं मानूंगी। अरे जनाब, जरा नजर उठाकर इस हुस्न को तो देखिए, हजारों में एक हूँ मैं। बहना? बहना, ये आपने मुझे क्या बुलाया? हाँ, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। हजारों में एक तो मेरे भगवान है। अपनी जिस सुंदरता पर तुम्हें इतना घमंड है, वो तो बस दो दिन की है। आज है, कल नहीं। सच्ची सुंदरता तो छुपी है पवित्रता में, मन की सुंदरता में। अगर उस सुंदरता को पाना चाहती हो तो अंदर की यात्रा पर चलो। आओ बहन, हम दोनों मिलकर नाम स्मरण करें। मैं हूँ संतोषी, त्रिशक्ति का संगम हूँ मैं। सभी के जीवन में संतोष प्रदान करूँ मैं। मैं हूँ सुख की देवी,
मेरा यही गुण मेरे बेटे थावर के आचरण में बचपन से ही था। स्वयं के विचारों की चिंता किए बिना इस संसार के सभी लोगों को संतोषित रखना, यही अपना धर्म माना। और अब जीवन के किशोर अवस्था में भी संयमी रहकर अपनी फकीर बनने की इच्छा दूर रखकर अपने माता के आकांक्षाओं को पूरा करने का वचन दे दिया, अपने माता को संतुष्ट किया। धन्य हो पुत्र थावर। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैंने एमए पास कर लिया। शाबाश बेटा, सब गुरु नानक जी की कृपा है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में आज पूरी तरह से सफल हो गई बेटा। अब तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी, मेरे सारे सपने साकार होंगे मेरे लाल। नौकरी? पर माँ, मैं तो आजादी चाहता हूँ। आजादी? कैसी आजादी? किससे आजादी बेटा? जीवन की इस मोह माया से मैं आजाद होना चाहता हूँ माँ। मैं फकीर बनना चाहता हूँ माँ, फकीर। फकीर? नहीं नहीं, ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं प्रभु की और दीन दुखियों की सेवा करना चाहता हूँ माँ। नहीं नहीं बेटा, फकीर बनने की बात कभी मन में भी मत लाना। माँ, तुम रो क्यों रही हो माँ? मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया? तो क्या कोई भी माँ अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर कभी खुश होगी क्या? तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारे पिता चल बसे। मैंने बड़ी मेहनत से, कष्टों से तुम्हें बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी। मेरा तो सपना है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ और ढेर सारा पैसा कमाओ। सच्चा धन तो आत्मा की शांति है माँ। इन सिक्कों और नोटों को बटोर कर क्या करूंगा मैं? इन सबसे तो आत्मा की उन्नति दूर ही रहेगी ना माँ। बेटा, तुम्हें सफल होते देखने के लिए मैंने जीवन का हर सुख त्याग दिया। क्या मेरी ये तपस्या यूं ही बेकार जाएगी? सोचा था तुम्हें एमए तक पढ़ाऊंगी और जब तुम अच्छी नौकरी पाओगे तब एक एक कर सबका कर्जा चुकाऊंगी। अब मैं बहुत थक गई हूं। आज मुझे एक वचन दो बेटा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक फकीरी का ये भूत तू अपने सिर पर सवार नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। माँ, तुम रो मत माँ, मैं जरूर नौकरी करूंगा। हाँ माँ, मैं पैसा कमाकर सारा कर्जा चुकाऊंगा। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ कि जब तक तुम मेरे सामने हो मैं फकीरी का नाम तो क्या उसके बारे में सोचूंगा तक नहीं। अब तो खुश हो ना माँ? गुरु बाबा, तुम धन्य हो, धन्य हो तुम। सौभाग्य, विलासना, सुंदरता एवं पवित्रता की देवी, चंचल स्वभाव होकर भी शरणागतों के लिए मेरे हाथ
सदैव आशीष बरसाते रहते हैं। जो कर्म करता रहा, कभी फल की चिंता नहीं की, ऐसे अलौकिक बालक थावर ने मुझे हमेशा प्रसन्न रखा। उसकी अमृत वाणी और अहंकार रहित गुणों से मुझे अत्याधिक प्रसन्नता हुई। ऐसे सद्गुणी और वैचारिक संपन्न थावर जो विवेकपूर्ण हैं, उसके सत्कर्मों के लिए मैंने अपने हाथ सदैव खुले रखे। जब मुझे थावर की स्वदेश लौटने की इच्छा का ज्ञान हुआ, तब कूच बिहार की रानी के जरिए मैं थावर के मदद के लिए तत्पर चली आई। तो वासवानी जी, कैसी रही आपकी यह परदेश यात्रा? बस ईश्वर की कृपा है। यूरोप के समाचार पत्र आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आपके चर्चे तो जगह जगह चल रहे हैं। ये ज्ञान, ये शरीर तो उसी का दिया हुआ है, बस हमें तो प्रेम का धर्म निभाना है। आपके इन्हीं विचारों से मैं प्रभावित हूं। आपके सुविचारों को मैं भी मानती हूं। ये तो आपका बड़प्पन है। वासवानी जी, एक बात कहूं? जी। आपके चेहरे पर विद्या का तेज होकर भी उसमें जरा भी घमंड नहीं है। अहंकार तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वो धर्म क्या निभाएगा जो अहंकार में डूबा हुआ हो? ऐसा लगता है आपका प्रवचन सुनती रहूं और उनका अध्ययन करूं। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूं। जी। मुझे पता है कि आपका यूरोप का कार्य समाप्त हो चुका है और आप भारत लौटना चाहते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, मैं शीघ्र ही भारत लौटना चाहता हूं। बस आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जी। मैं आपको भारत वापसी का टिकट भेंट स्वरूप देना चाहती हूँ। आप इसे स्वीकार कर ले तो यह मेरा सौभाग्य होगा। सांसारिक सुखों को त्याग कर परे जाना, इसी में मनुष्य की उन्नति है। लेकिन ये कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ पाया, केवल मेरा पुत्र थावर ही समझ पाया। माँ के देहांत के बाद इस अलौकिक मनुष्य ने साधु का रूप लिया और असहायों की सहायता करने फकीर बनकर निकल पड़े साधु T.L. वासवानी। मैं हूं वन दुर्गा। वन, जीव जंतु, प्राणी, इन सब की स्वामिनी आदिश्वरी हूँ मैं इस निसर्ग की। मुझसे आशीर्वादित होने के लिए सब मेरी पूजा करते हैं, किंतु मुझे प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं, बल्कि जिनकी मैं स्वामिनी हूँ उनकी रक्षा करने में है। और यह बात सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा थावर ही समझ पाया। उसे समझा कि इंसानों की तरह इस सृष्टि के सभी जीवों में वन दुर्गा बसी है और इन सभी बेजुबान पशु पक्षियों और प्राणियों की रक्षा की ठान ली। और यही सीख साधु ने सारे संसार को दी। ऐसे अलौकिक साधु पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी।
हराम, कुत्ते को पकड़ा कि नहीं? नहीं साहब, बहुत मुश्किल काम है। क्या, एक कुत्ता भी नहीं पकड़ सकते तुम? पुलिस की नौकरी में बूढ़े हो गए हो, फिर भी ये हाल? मैं कोशिश करता हूं साहब। कम ऑन, जल्दी करो। ये कुत्ता कहां रो रहा है और ये पुलिस क्या कर रही है? पता नहीं दादा, मैं अभी देखता हूं। अरे यहां से हट जाइए, मेरे आदमी एक आवारा कुत्ते को पकड़ रहे हैं। ये कुत्ता बड़ा ही खूंखार है। सर, कुत्तों को क्यों पकड़ा जा रहा है? अरे भाई साहब, रास्ते पर घूमने वाले आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं। जनता की सुरक्षा के लिए हम इन कुत्तों को पकड़ के मार रहे हैं। साहब, साहब पकड़ा गया, अब नहीं छूट सकता ये कुत्ता। वेरी गुड, वेल डन सखाराम। इस कुत्ते को गैस चेंबर में डाल दो। हे भगवान, इस मूक प्राणी के साथ इतना कठोर व्यवहार। सर, मैं आपसे एक विनती करता हूं। विनती? कैसी विनती? कृपा करके इस कुत्ते को छोड़ दीजिए, मेरी खातिर इतना काम कीजिए। ये आप क्या फरमा रहे हैं? इतनी मुश्किल से ये कुत्ता हाथ लगा है और आप चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें? ऐसे कुत्तों ने लोगों के नाक में दम कर दिया है। इतना खूंखार है कि काटेगा तो खैर नहीं, और आप कहते हैं कि इसे छोड़ दो? वेरी सॉरी। जानवर तो मासूम होते हैं, उन्हें भी जीने का हक होता है। वे जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये हमारे भाई बहन की तरह हैं, इसलिए इन्हें मारना नहीं चाहिए बल्कि प्यार देना चाहिए। मेहरबानी करके इसे छोड़ दीजिए। सखाराम, सुना तुमने? अरे ये साहब कहते हैं ये जानवर हमारे भाई बहन है। हाँ भाई, पशु पक्षियों में भी हमारी तरह ईश्वर का अंश है, उन्हें भी हमारी तरह जीने का अधिकार है। कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। भाई साहब, आप मुझे मजबूर न करें। अरे हमें भी ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं, उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। भाई, इस सरकार से ऊपर एक और बड़ी सरकार है, प्रभु की सरकार। उसका हुक्म यही है कि हम सभी प्राणी मात्र से प्यार करें, उनकी रक्षा करें। क्या आप उसके हुक्म का पालन करना अपना कर्तव्य नहीं मानते? हाँ भाई साहब, छोड़ दीजिए इस कुत्ते को। हाँ हाँ मेरे भाई, छोड़ दो इस निष्पाप जीव को। पता नहीं साहब, आपकी आवाज में ऐसा क्या जादू है, मुझे लगता है कि आप सच कह रहे हैं। मुझे आपकी बात माननी चाहिए, लगता है आप ईश्वर के प्रेषित हैं, उसके दूत हैं। सो आई वैल्यू योर वर्ड मोर देन द कमांड ऑफ माई अर्थली मास्टर। सखाराम, छोड़ दो उसे। थैंक यू, आप बहुत दयालु हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? जी जी, मेरा नाम नीचू है। मैंने आपकी विनंती मान ली है, मुझे स्वर्ग में हमेशा याद रखना। प्लीज प्लीज डू रिमेंबर मी इन हेवन, डू रिमेंबर मी। जय 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 शीतला भवानी, जय जग जननी सकल गुण खानी। ग्रह ग्रह तुम्हारी राजिता, पूर्ण शरद चंद्र समसा। मैं हूँ शीतला,
आरोग्य की देवी, मेरे हाथों में स्थित झाड़ू से मैं इस संसार के गरीबी एवं बीमारियां हटाती हूँ और सभी को रोगों से मुक्त करती हूँ। बहुत से लोग पीड़ितों से दूर भागते हैं, परंतु मेरा पुत्र थावर ही है जो इन पीड़ितों की पीड़ा समझता है। उनसे दूर नहीं बल्कि उनके पास जाकर सेवा करता है, पूरे निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करता है। थावर कभी भी किसी बीमारी से डरा नहीं, उसका डटकर सामना किया, औरों को बीमारी से लड़ने की सहायता की। इसीलिए मैं शीतला इस साधु को अजन्म आरोग्यदायी जीवन का आशीर्वाद देती हूँ। ओ गॉड, ये तो कोड़ी छे, इसके शरीर से कितनी बदबू आती है। जोनी पेस्टन जी, आ लोग तो सोसाइटी में न्यूसेंस छे। हाँ, अरे आ लोग तो जल्दी मरता भी नहीं और गवर्नमेंट तो कुछ भी करती नहीं। जोनी मेरी बाईडी केटला अपसेट है, 5,000 नो शॉपिंग बेच गयो। एक कोड़ी चल हट हट। हे भगवान, हर कोई मुझसे नफरत ही करता, सब सब मुझे ठुकराते ही हैं। इससे तो मौत ही भली भगवान, इससे तो मौत ही भली। साहब साहब, मुझे मत छूना, मत छूना मुझे, मैं कोड़ी हूं साहब, मैं कोड़ी हूं। तो क्या हुआ प्यारी, कोड़ी हो तो क्या मनुष्य नहीं हो? प्यारी, मुझे तो तुम में भी मेरे परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। आप मेरी सेवा करेंगे? आप मुझे ठुकराएंगे नहीं साहब? क्या सचमुच आप मुझे अपना मानते हो, अपना मानते हो साहब? जशन, जाओ कुछ कपड़े और खाना लेकर आना, और हाँ, साथ में पानी, रुई और एकाद मरहम भी लगाने के लिए। भूलना नहीं, मैं इसके जख्मों पर पट्टी बांधूंगा। हाथ सभी के काले हैं, नजरें सबकी पीली हैं। हाथ सभी के काले हैं, नजरें सबकी पीली हैं। सीना ढाप दुपट्टे से, सर को आंचल दे मालिक। क्या ये टोपी भी चाहिए? ये लो, इसे भी रख लो प्यारे। मेरा ये शर्ट, ये टोपी मानो मुझ पर एक कर्ज है, जिसे मुझे मुझसे अधिक जरूरतमंद आदमी को देना चाहिए। दिस शर्ट, दिस कैप एंड ऑल आई हैव is a loan given to be passed to those whose need is greater than mine. मैं हूँ अन्नपूर्णा। दिन दुखियों की भूख मिटाना
यही मेरा काम। इस संसार में कोई भूखा न रहे, इसलिए मैंने ये रूप लिया है। जीवन में अन्न का मूल्य भगवान समान माना जाता है, क्योंकि अन्न ही जीवन देता है। अन्न पाने का अधिकार सबका है, और इसी अधिकार का ज्ञान मेरे बेटे थावर को था, जो गरीब लाचार की भूख मिटा के ही संतुष्ट होता था। बंगाल में पड़े सूखे से थावर का संवेदनशील हृदय दहल गया, और वो इन भूखे प्यासे तड़प रहे लोगों की भूख मिटाने चल पड़ा अन्नपूर्णा का रूप लेकर। बाबा बाबा, मुझे कुछ खाने को दो बाबा। हे माँ, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे मर जाएंगे। मागो मागो कि अकाल पोरी छे। इस सुखे ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कोई एक दो रोटी तक देने को तैयार नहीं है। बंगाल में सारी उम्र बीत गई, लेकिन मेरी आंखों ने ऐसा भयानक सूखा कभी नहीं देखा। इतने दिनों से न खाना नसीब हुआ है, और अब तो पानी के लिए भी तरस रहे हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो, अब तो मरने की नौबत आ गई है। ओरे बाबा, ओरे बाबा, आम ही मोरे जाबो। अरे अरे, देखो देखो, हमारी और कोई आ रहा है। हाँ, मुझे खाने की खुशबू आ रही है। लगता है इनके हाथों में लूची और आलू दम है। लगता है माँ ने हमारी सुन ली, आज भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। जय हो महाकाली, जय हो महाकाली, जय हो। साहब साहब साहब, क्या ये सब हमारे लिए है? हाँ हाँ, ये सब तो तुम्हारे लिए ही है। साहब साहब, अरे बूढ़े खुसट, कितना खाएगा? अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करो। हे भगवान, कितने भूखे हैं बेचारे। हे प्रभु, इन पर रहम करो, ताकि ये लोग इस परिस्थिति का सामना कर सकें। अरे लड़ने दो लड़ने दो भाई, असली माल तो उधर है। अरे भूखमरे कहीं के, हटो, चलो लाइन में खड़े हो जाओ। अरे बूढ़ी होकर मुझे धक्का देती है, अब तो मैं खाना बांटना बंद कर दूंगा, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे ये भिखारी लोग होते ही ऐसे हैं। भाई गंगाराम, इनमें तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। अरे ये डिसिप्लिन डिपिस, ये क्या कह रहे हो? आपको क्या मालूम है भूख क्या होती है? कभी भूखे रहे हो? आपको अगर हमारी तरह दिन रात भूखे रहना पड़ता तो आप हमारी पीड़ा समझ पाते। भरे पेट ऐसी बातें करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है साहब।
भूख, तुम लोग क्या जानो भूख क्या होती है। अरे इसी भूख के कारण मैंने अपना बच्चा खोया है रे बच्चा। मत रो प्यारे, मत रो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। अरे ये कोई साधारण पुरुष नहीं लगता, देखो 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 कैसे बाके को गले लगा कर रो रहा है। हाँ भाई सही कह रहे हो, यह सचमुच कोई संत पुरुष लगते हैं, जिसे हमारी गरीबी लाचारी और दुख का एहसास है। इतने बड़े साहब होकर भी बाके को कैसे गले लगाकर उसका दुख बांट रहे हैं। हाँ भाई हाँ, ऐसा दयालु इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा। सुनकर इस तेजस्वी साधु की आरजू वरुण देव भी हुए भावुक, बरसा कर जल तृप्त कर दिया बंगाल की धरती को और मिटा दिया इस अकाल के साए को। धन्य हो इस तेजस्वी साधु की। सृष्टि हूं, मैं ही प्रकृति हूं, संसार का उगम मेरे ही कोक से हुआ है, जगत के कण कण में मैं बसी हूं, यह सृष्टि मुझसे बनी है और मैं बनी हूं इस सृष्टि से। इस बात से मेरा बेटा थावर भली भांति वाकिफ था और इसलिए वो मुझे इंसान, पशु पक्षी, प्राणी, यहां तक के पत्थर में भी देखता था और यही सीख वो अपने शिष्यों को भी देता था। मगर कोई इस विश्व के किसी भी चीज को अपमानित करता है तो उसे बहुत दुख होता है। ऐसे पवित्र साधु को मैं सदैव खुश रहने का वरदान देती हूं। क्या बात है दादा, आपने आज ना कुछ खाया है, ना पानी पिया है, ना मुझसे कुछ बोल रहे हो। मुझसे कोई गलती हुई है क्या जशन? हाँ जशन, मुझे बताओ, अगर परमेश्वर पोथी में है
तो क्या पत्थर में नहीं? मैं समझा नहीं दादा। तुम अगर मानते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो उस पत्थर को जो रास्ते में पड़ा था उसे लात क्यों मारी? क्या उसमें परमेश्वर नहीं? जी गुरुदेव, मुझे मुझे माफ कर दो दादाजी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जशन, मैंने कहा था ना, मैं चाहता हूं तुम खुली आंखों से सृष्टि के कण कण में उस परमात्मा के दर्शन करो। Thank you.
प्यारी संगत दादा श्याम तमी सब मुसा शामिल थींदा त कैरी न दिल भिजाइंदा दादा लीला असा दिखी ये लगो जन त प्यारा दादा पाण साक्षात असावट लई आया आहन ए केतरियो न मिठियो मिठियो यादगिरियो प्यारे दादा जो असा सबिन जे दिलियो न अंदर उथियो जन त असा सजे दादा जी लाइफ एक कलाक में 45 मिनट्स में दिठी केडो न असा सबिन जो सौभाग्य आहे हर एक कार्य में फॉर एवरी सच परफॉर्मेंस इट रिक्वायर्स डेडिकेशन devotion, commitment, and we feel deeply, deeply, deeply grateful to Dr. Ms. Gulshan Gidwani of St. Mira's College for Girls. She has been fortunate to get the love and affection of both revered Sadhu Vaswani and revered Dada J.P. Vaswani. Let us give her a big round of applause and also to the entire team of teachers and students हिक हिक सीन करण लाइ केॾी परफेक्शन खपे केॾी कोऑर्डिनेशन खपे ऐं मां नथी सम्झां को बि चई सघंदो त असां को नुक्स हिन में ॾिठो एवरीथिंग वॉज सो परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड वी फील डीपली ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू दिस एन्यूअल इवेंट एंड विल कंटिन्यू टू लुक फॉरवर्ड फॉर जनरेशन्स टू कम कीप अप द गुड वर्क प्यारी संगत 45 पार्टिसिपेंट्स आहिनि ऐं भाव लक्ष्मण मोटवानी हिकु हिकु पार्टिसिपेंट खे 100 रुपया ॾिए थो थैंक यू मिस्टर लक्ष्मण आई थिंक टुडे इन द बिगिनिंग आई फेल्ट दैट If Dada is not present, we cannot do this. But I actually saw Dada. And believe me, the performance that the students have put up today was beyond my expectation. Thank you so much. Thank you. I thank my colleague, Savni Antarkar. She is the one who is blessed to be a channel to receive what Dada wants her to do. So this is all her effort. I thank her, and I hope this will continue year after year. You're missing Dada. He's here. Thank you for saying that, ma'am. Just to tell you this, 98% of the team was fresh. They are doing it for the first time. 98%. And this is magic. This is magic. It is different when seen in our auditorium, and you won't believe it is entirely different when they do it here. That is the magic. It's entirely different. Yes, yes, definitely. That is why. That is what makes a difference. Ashish, please. He's doing it for the first time, and assistant Sanket. They're doing it for the first time. They are with us. Sharon, come. Khushbu, backstage, she said, ma'am, she got nervous. Nervous not for the people standing here. Because she was into Dada's role, she said, ma'am, I don't think so. Will I be able to do it? She did it. You did so well. She was in tears. She said, ma'am, I'm getting nervous. And she did it. We really could see Dada. Khushbu, we are not joking. Everyone, each one of you, each one, we could see Devi Ma, we could see the needy, we could see each one. Live performance. Thank you so much. Ashish Chirag, thank you so much.
Sanket, thank you for being with us. Now we are a team. Thank you so much. All of you. And thank you for the... It is not a platform. Yehi mata ki chokhi. Wahi hai, yehi sab hai. So we won't say this is a platform. It's a very dry word to say it. Ma'am, thank you. It is, again, you are another channel so that we could reach Dada. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ashish. Do you want to say something? You can speak in Marathi, Hindi, not a problem. प्यारी संगत एक भाव आए जो एनोनिमस रहन तो चाहे ही इज गिविंग फॉर एवरी पार्टिसिपेंट 1,000 रुपीज एंड फॉर द डायरेक्टर ऑफ द प्ले 5,000 एंड फॉर द कॉलेज टुवर्ड्स द प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज 50,000 फॉर दिस एंटायर प्ले वी फील वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द एनोनिमस पर्सन थैंक यू And Mr. Jainani gives a prize of rupees 100 for every participant. So everyone will get rupees 1,200 each. And above all, they will get unlimited blessings from beloved Sadhu Vaswani and beloved Dada JP Vaswani, which will take you all to unknown realms, to unknown destinations. Sister Nina Vaswani has given one gift packet for each participant. प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है
हर तंगी में नूरी एक तो ही मददगार उठाए है अंजलि के जन्मों के सारे भार करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा तेरी कृपा से सब काम हो रहा।